आप सबको मेरा, कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज यहाँ तैयारी हो रही है जाने की, कहाँ जाने की आपको आगे आगे दिख ही जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही मैं बात कर रही थी, लेकिन अनमोल ना हमारे फ़ोन में चला रही थी म्यूजिक, तो फिर मैंने आवाज़ को दबाना पड़ा, नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाता। रही हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही, मैं जा रही हूँ पार्लर, क्योंकि मुझे जाना है 2-1 दिन में दीदी के घर। तो थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो थ्रेडिंग बनवाने जा रही हूँ। हर टाइम हो रहा है 4:15 बज रहे हैं, कोई भी नहीं होता पता। चांसा रोड पड़ा हुआ है, डर तो लगता है मुझे बहुत जाने में, पर क्या करूँ यार, यही टाइम मिलता है जाने का, फिर बच्चे को छोड़ के कैसे संग भी नहीं ला सकती। तो गाइस मैं आई थी पार्लर, तो यहाँ पे मैंने थ्रेडिंग वेडिंग फोर हेड वगैरह ये सब मुझे कराना था, तो मैं इसलिए आई थी। और ये पार्लर ना बहुत अच्छा है, तो मैं यहीं पे आती हूँ हमेशा। दीदी के घर बस रेडी हो रहे थे, देखिए नेल पॉलिश भी लगा दी थी, और आपको पता है मैं डेली उसमें बिल्कुल नेल पॉलिश नहीं लगाती। वो हुआ ऐसे क्योंकि जो मेरी भांजी जहाँ पर ख़त्म होती, यानी मेरी जो भांजी का ससुराल है वहाँ पर शादी हो चुकी है उनके चचा ससुर की लड़की की सगे जैसे, तो वहाँ पर कोटे तो है नहीं। तो दीदी के यहाँ पे मम्मी पापा घूम आए हैं, यानी मेरे सास ससुर, तो अब हस्बैंड जाना चाह रहे हैं तो वो चले जाएंगे, तो फिर मैं नहीं जा रही अब इसलिए। एंड गाइस उसके बाद आती हूँ मैं किचन में, तो किचन में हो गया था हमारा घी ख़त्म। हमारा घी इतनी जल्दी जल्दी ख़त्म होता है ना, मतलब जो दूध से मलाई निकलती है वो उसका भी ख़त्म हो जाता है, और जो कहीं से आ जाता है ना वहाँ से भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं ये निकाल रही थी, ये वाला जो डिब्बा है ना, ये तो मैंने छोटे भाई से मंगाया था, तो इसमें से जैसे कभी नहीं रहता है, तो इसमें से मैं रहती, मैं देख रही थी कितना है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा है इसमें। नहीं तो दीदी वगैरह आती है ना तो वो लेके आ जाती है, मैं भी ताल लेती हूँ वैसे, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा। और हमारे घर में क्या होता है, घी वी के ही परांठे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए लगा दिया नाश्ता। यूट्यूब फैमिली कैसे हो आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस आज है 11 अगस्त, और आज के दिन मेरा बर्थडे होता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है, खुशी मतलब खुशी भी होती है, थोड़ा वो भी लगता है कि मतलब सर हमारे जो लाइफ का, जो मेरी इतनी खूबसूरत लाइफ है सबकी, एक साल कम हो जाता है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो बच्चों ने सुबह ही विश कर दिया था, और हस्बैंड ने भी कर दिया था, इन सबको बहुत याद आता है। और मेरी फ्रेंड वगैरह के तो रात से ही मैसेज वगैरह आने शुरू हो रहे हैं, वो तो मैं फ़ोन को ना 10 बजे के बाद मैंने बंद कर दिया था, 5:30 बजे बोला तो मैसेज वहाँ से भरा पड़ा, फ़ोन कॉल से भरा पड़ा है। तो बस अभी तो करते हैं कुछ, देखते हैं आज मेरा बर्थडे ज़रूर मनेगा, क्योंकि मेरा हर बार बनता है। मतलब हस्बैंड अपना कभी नहीं मनाते, वो कहते हैं कि अपने बच्चों में, बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, इन चीज़ इन हम लोगों के लिए अपनी खुशी ढूंढते हैं। आराध्या क्या कर रही हो, क्यों गई हो मंदिर में, मंदिर बिगाड़ने? चलो इधर आओ, जल्दी आओ, डंडा ला रही हूँ, डंडा जल्दी आ। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ड्रेस का फाइनल लुक। तो ये देखिए इस तरह से कुछ मेरी ड्रेस है, अभी मैंने इसकी फिटिंग नहीं कराई है अच्छे से, ऐसे ही पहन लिया था, फर्स्ट बार मैंने इसको पहना है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो बस इसकी फिटिंग होने के लिए दूंगी। और यहाँ पे फिर हम सब हो गए रेडी, हम सब क्या बच्चे तो घर के कपड़ों में ही हैं, मैंने थोड़ा सब घर के कपड़ों में थोड़ा मैंने ही वेस्टर्न पहना, भाई मेरा बर्थडे था तो मुझे तो स्पेशल दिख नहीं था, मैंने सबको बोला था कोई बात नहीं।
तो यहाँ पे बस मेरी प्यारी सी फैमिली के साथ मेरा केक कट हो गया। हस्बैंड तो बोल रहे थे कि चलो अनु होटल में चलते हैं शाम को खाना खाने, तो उस दिन था एकादशी 11 तारीख को, तो ये बोले जब मैंने कहा जब तुम ही नहीं खा पाओगे खाना तो फिर हम होटल में जाके क्या करेंगे, तुम वहाँ बैठे बैठे रहोगे हम खाएँगे, तो इससे तो अच्छा रहने दो। और फिर अपना बच्चे है तो बच्चों की मन करता है कि बच्चों के लिए ये करें वो करें ना, तो मेरा है मेरे हस्बैंड हमेशा से मेरा बर्थडे मनाते हैं, मतलब 5-6 साल हो गए, 5-6 साल से वो हमेशा से बनाते हैं। और यहाँ पे हम पूरी फैमिली के साथ प्लानिंग कर रहे थे फ़ोटो क्लिक करने की, तो ऐसे ही यहाँ पे सेटअप तैयार कर रहे थे और खुद भी रेडी हो रहे थे कि ऐसे करो वैसे करो, तो बस लगे हुए थे सबके सब। बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपना वीडियोस में, और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं और करना चाहते हैं मन है तो मेरी इंस्टाग्राम जो आईडी है वो है अनु ठाकुर 410, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो। तो और ये आपको ब्लॉग के लिए कैसा लगा ये भी आप मुझे बताइएगा। तो बस हमारा केक कट हो गया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं करा था, और बर्थडे में क्या होता है केक कट ही होता है। एंड गाइस यहाँ पे आपको बहुत हंसी आएगी, यहाँ मैं अपने हस्बैंड को ना ज़बरदस्ती वीडियो बनाने के लिए बोल रही थी, उनको बहुत शर्म आती है तो वो कभी ना वीडियोस वगैरह बनाते नहीं है रील्स वगैरह, तो भैया मैं ज़बरदस्ती कर रही थी। और हमारी ये रील्स बहुत अच्छी हुई है।